हेलो एवरीवन, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मींस आपने जो नंबर्स आपको दे रखे हैं उनकी एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो हमने फर्स्ट दो क्वेश्चन किया है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन किया है, वो हमने यूज़ किया था वहाँ पे कॉमन डिविजन मेथड। लेकिन यहाँ पे जो करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये भी बहुत ईजी क्या होता है। इससे क्या करना है, आपने सबसे पहले जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। हमने 40 की इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, 32 की भी इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। तो 32 की आ गई ये वाली, 40 की आ गई है ये वाली प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपने निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हमने क्या चेक करना है कि जो भी यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं वो जैसे यहाँ पर 2 और 5 नंबर, दो ही नंबर आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों की, तो देखना ये है कि जो पहले 2 नंबर आ रहे हैं, 2 सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हो आप, तो यहाँ पे 2 आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स, तो मैक्सिमम 5 टाइम्स आ रहा है। मैक्सिमम देखना है आप कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 5 टाइम्स आ रहा है, 5 बार आ रहा है। तो 5 जो आ रहा है वो सिर्फ एक बार आ रहा है, तो इसका एलसीएम कैसे क्या लिखना है आपने, जितनी ज़्यादा बार आ रहा है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करवाना है आपने। 2 5 बार आ रहा है तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करवा दिया, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब कौन सा नंबर रह गया था, 5 कितनी बार आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार आ रहा है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, जो जितनी ज़्यादा बार आ रहा है उसको उतने टाइम से मल्टीप्लाई करवा के दूसरा नंबर जितनी ज़्यादा बार आ रहा है उसको भी उतने टाइम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 5 1 16, दिस इज योर एलसीएम। ऐसे ही अगर आपको 3 नंबर दे रखे हैं, ये दूसरा नंबर आपको ये सेकेंड पार्ट 24 36, आपने इनकी भी इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली है, तो अब यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3, दो नंबर आ रहे हैं, 2 सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, 1, 2, 3 टाइम्स, 1, 2, 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो एलसीएम कितने टाइम्स आएगा, जो ज्यादा वाला है 3 टाइम्स वाला आएगा एलसीएम। तो साथ में क्या आना है, 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स, तो 3 कौन सा आएगा, जो ज्यादा वाला आ रहा है 2 टाइम्स वाला आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 2 4 2 8 3 4 3 72। ऐसे आपने 15 30 45 का निकालना है, ये आएगा 2 2 एक ही बार आ गया, सबसे ज़्यादा एक बार आ गया, 3 एक बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है एलसीएम में, 2 बार वाला आएगा, 5 एक बार यहाँ पे एक बार है, एक बार ही आएगा, 2 3 6 3 9 9 3 3 9 2 18 5 बार 9 का आंसर आएगा आपका इसका। सिमिलरली यहाँ पे 40 44 48 का एलसीएम निकाल दिया आपने इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देख रहे हैं 2 ज़्यादा बार कहाँ पर आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स 4 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 बार वाला लिखोगे यहाँ पे, 4 टाइम्स वाला 2 आ गया, यहाँ पे ज़्यादा बार आ रहा है वो लिख लिया। अब वो क्या आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार ही आ रहा है, तो वो भी आ गया, 5 1 टाइम आ रहा है वो भी आ गया, देन 11 आ रहा है वो भी लिख लिया, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 2 8 2 16 16 3 48 मल्टीप्लाई करना है 11 5 55 के साथ, 48 को 55 के साथ, टू सिक्स फोर जीरो टू बी योर आंसर।